नमस्कार मु जितेन्द्र आपण मानक स्वागत करछि दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो सर्वप्रथम समस्त को दुर्गा पूजा हार्दिक अभिनंदन। आज हे अक्टोबर मास 9 तारीख बुधवार। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा गुरुत्वपूर्ण टॉप न्यूज़ गुड़िक रही है, इस संपूर्ण भिडियो चलत जाणी ना। तो भिडियो को लास्ट पर्यटन देखु था, और भिडियो भल लगे समस्ते भिडियो को गोटे लाइक कर आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो आउ डेरी नक चलते देख ना भिडियो कौन सब टॉप न्यूज़ गुड़िक रही। दशहरा हेबनी वर्षा शुखिला रहिब पाग। तो चल देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रोचे। लगातार राज्य में लघुचाप जनित लगाणा वर्षा पर एथर दशहर में पाग शुखिला रहिबा नै आकलन करिछि पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। अल्प किसी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होइपारे। आसंता 11 तारीख रु 13 तारीख पर्यंत राज्यर अधिकांश जिले में वर्षा होवार संभावना नाही। आसंता 7 दिन पर्यंत भुवनेश्वर और कटक सहर में आंशिक आंशिक मेघाच्छन्न रहिबार संभावना रही। सोमवार मयूरभंज जिला चंदनपुर में सर्वाधिक 67 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करपरी मलकानगि 34.4, बरगढ़ में 43.6, संबलपुर और झारसुगुड़ 35.5 मिलीमीटर, झारसुगुड़ 35 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आकाश छुआ हो टमाटो दर एति टकर बिक्री करेंगे सरकार। तो चलो देखने संपूर्ण अपडेट कौन रही। गत किसी दिन हेब आकाश छुआ हो टमाटो दर अतिरिक्त वर्षा कारण टमाटो चाष नष्ट जो आमदानी ह्रास पाई प्रभाव में एवं बजार में टमाटो दर किलोग्राम प्रति 100 टंका छुईवा आरंभ कला। यह परिस्थिति में टमाटो दर सह मुकाबला अंटा भिड़ सरकार। किलो पिछा 65 टंकारे टमाटो बिक्री करेंगे सरकार। दिल्ली एवं यार पखापाखी अंचल नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF नाफेड एवं सल्फर खुचुरा आउटलेट रे टमाटो किलो पिछा 65 टंकारे बिक्री करा जिवो। यह व्यतीत मोबाइल भैन माध्यम रे टमाटो मध्ये बिक्री करिहेब बोली सूचना देछंती केन्द्र सरकार। गत किसी दिन हेब टमाटो समेत अनेक परिवार दर वृद्धि पाई। महाराष्ट्र समेत अनेक अंचल वर्षा हेतु टमाटो फसल नष्ट हो जाए। चलो देखिए परवर्त अपडेट कौन रही। SHG महिला मानक आसला बड़ खबर। 9 तारीख में SHG महिला मानक ऋण छाड़ हे 200 कोटी रु ऊर्ध टा छाड़ कर। तो चलो देखि ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्य में सुभद्रा योजन प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय टंकाए हिताधिकारी आकाउंट को आसी जाए। योग्य हिताधिकारी आकाउंट को 1 टा लेखाएं आसी बेले आसंता 9 तारीख दिन बाकी 4,969 टंका योग्य हिताधिकारी खाता को आसो उपमुख्यमंत्री प्रभाती पड़ा सूचना देते। से कहते 9 SHG महिला ऋण छाड़ हेब 200 कोटी ऊर्ध टा छाड़ कर। तो चल देखा परवर्त अपडेट कौन रही। राज्य कृषि विभाग पक्षर सूचना नवेम्बर 8 तारीख पर्यंत मगणार हेब PM किसान EKYC। चल देखने संपूर्ण अपडेट कौन रही। PM किसान योजना को नहीं आसी एक बड़ खबर। नवेम्बर मास 8 तारीख पर्यंत हिताधिकारी मैंने PM किसान योजनार EKYC मगणारे करेंगे। जनसेवा केन्द्र में यह सुविधा उपलब्ध हो। राज्यर बहु चाषी भाई भौणी PM किसान योजन पंजीकृत होता बेले निजर जमिजमा सम्बन्धी तथ्य दाखल करना। से आउ किसी चाषी EKYC दाखल नक जमापड़े। एस आउ किसी चाषी बैंक अकाउंट सह आधार संजोग होना तेणु यही समस्त सुविधा नवेम्बर 8 तारीख सुधा फ्री में हो पार बोली राज्य कृषि विभाग पक्षर सूचना दि जाए। सूचना योग्य जे गत 5 तारीख में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्र गस्त करने अवसर में सेठे से विभिन्न प्रकार प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करते। अवसर में प्रधानमंत्री पखापाखी 9.4 कोटी कृषकों पाखे PM किसान सम्मान निधि योजनार 18 किस्ती आकार में 20,000 टंका ट्रांसफर करते। तो चलो देखिए परवर्त अपडेट कौन रही। जदि 9 तारीख में टंका न आसे हिताधिकारी कौन करेंगे, चलो जाणी ना बड़ अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना को नहीं एवं चली बड़ द्वंद। किसी महिला आकाउंट को टंका आसुवा बेले किसी महिला आकाउंट को एपर्यंत टंकाटे आसी ना। उपमुख्यमंत्री बारंबार आश्वासना देखा बेले महिला आकाउंट को टंका न आसुवर से हतोत्साहित हो पड़ते। सबुठ बड़ कथा हो प्रथम आवेदन कर महिला को सुभद्रा टंका आसी ना बेले पर रेजिस्ट्रेशन कर महिला को मिली यही टंका। यही परिप्रेक्षी में प्रश्न उठू जो मैंने थे आवेदन करा आसीना से आउ थ पंजीकरण करने आवश्यक कि से किपरी ए बाबद क्लीयर हे से अकाउंट को टंका आसब कि ना। सेप्टेम्बर 17 पूर्व जनसेवा केन्द्र में एप्लाय करने हिताधिकारी को एक रसीद प्रदान जहाँ आधार में सेमिट्रेसन सफल हो स्पष्ट हो जाता किंतु 17 तारीख में सेमक को टंका आसी ना। 9 तारीख पर टंका न आसिले द्वितीय रेजिट्रेसन करवा जरूरी कि
मिलता सूचना अनुसार से द्वितीय थर पंजीकरण करिवारे कौनसी आवश्यकता ना एप्लिकेशन सरकार विचाराधीन रही तेणु दुई थर रजिस्ट्रेशन कले कौन फायदा मिलना अधिक सूचना हिताधिकारी मैंने सरकार द्वारा जारी होता अनलाइन सुभद्रा पोर्टाल परिदर्शन करेंगे सरकारी वेबसाइट में आपड़ फर्म स्थित बाबद सविशेष तथ्य उल्लेख थी जदि यह बातिल तेज यह रिजेक्ट दर्शाइब नचे परवर्त किस्ती तारीख पर्यंत अपेक्षा करने को पड़ तो चलन देखा परवर्त अपडेट कौन रही तीन हजार रु अधिक प्रार्थी को निजुक्ति सुजोग प्रकाश पाइला विज्ञप्ति चाकरी आशाई सुवर्ण सुजोग चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही राज्य सरकार विभिन्न विभाग में पूरण हेब एक हजार रु अधिक पद से नहीं विज्ञप्ति प्रकाश पाई बेले इच्छुक प्रार्थी मैंने ग्राम रोजगार सेवक पुलिस ड्राइवर एसडीपीआई और अनेक पदर आवेदन करेंगे भद्रक जिले में 146 ग्राम रोजगार सेवक पद खाली रही बेले यार आवेदन तारीख नवेम्बर 11 पर्यंत रही सेपरी कंधमाल जिले में 125 जीआरएस पद खाली रही बेले आवेदन अंतिम तारीख अक्टोबर 24 रही अनुगुल 144 जीआरएस पद खाली रही बेले नवेम्बर 11 पर्यंत अंतिम तारीख रखाई पुरी में 182 जीआरएस पद खाली रही बेले अक्टोबर 23 आवेदन अंतिम तारीख रखाई मयूरभंज 355 जीआरएस पद खाली रही बेले आवेदन शेष तारीख अक्टोबर 21 रही संबलपुर 101 जीआरएस पद खाली रही बेले आवेदन तारीख अक्टोबर 21 रखाई से हीपरी नवरंगपुर 156 झारसुगुड़े 68 जगत सिंहपुर 162 जीआरएस पद खाली रही एथस ओडिशा पुलिस 405 ड्राइवर पद खाली रही बेले आवेदन शेष तारीख अक्टोबर 31 रखाई से हीपरी ओडिशा लोकसभा विभाग पक्ष 39 एसडीपीआईआर और पद विज्ञप्ति प्रकाश पाई बेले अक्टोबर 30 पूर्व प्रार्थी मैंने आवेदन करेंगे ओडिशा पुलिस 1360 सिपाही कनिष्टबल पद खाली रही बेले 177 कनिष्ठ किराणी पद खाली रही तो चलन देखा परवर्त अपडेट कौन रही आरआरबी एनटीपीसी आवेदन अंतिम तारीख एक सप्ताह वृद्धि है पद संख्या संशोधन करागला तो चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही रेलवे निजुक्ति बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी आवेदन को नहीं आज एक बड़ खबर अंडर ग्रेजुएट स्तरीय एनटीपीसी निजुक्ति सह जड़ित एक गुरुत्वपूर्ण नोटिस जारी करा नोटिस दिव्यांगों वर्ग में आवेदन करार्थियों बेस जरूरी रही है पर्सनस विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी पीडब्ल्यूडी वर्गों खाली पद को संशोधन कर सहित पीडब्ल्यूडी प्रार्थी आवेदन अंतिम सप्ताह एक सप्ताह वृद्धि कर एबे प्रार्थी मैंने अक्टोबर 27 तारीख सुधा आवेदन करेंगे और फिज जमा करने को अंतिम तारीख अक्टोबर 28 रखाई 40% विकलांगता प्रार्थी मैंने फायदा उठाई पारे दिव्यांगों वर्ग प्रार्थी मैंने फर्म को अक्टोबर 30 रु नवेम्बर 6 मध्य संशोधन करेंगे तेज अकाउंट फर्म और चयन होता आरआरबी विकल्प में कौन परिवर्तन करहब ना अन्य समस्त प्रार्थी आवेदन अंतिम सीमा अक्टोबर 20 रही है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा कमर्सील कम टिकेट क्लर्क 2022 पद ट्रेन क्लर्क 62 पद आकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 पद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 पद पूरण हो मोट 3445 पद पूरण हो चलन देखा परवर्त अपडेट कौन रही सब मस श्रमिकों मिल 3000 टंका सरकार गोटे खास योजना चलन देखने संपूर्ण दृष्टि कौन रही सरकारी योजन गरीब लोक उपकृत हेबे एथिपाई असंगठित क्षेत्र में श्रमिक मानी सरकार नुआ प्रस्तुति चलते जो सरकार आय एवं पेंशन वृद्धि पाव वास्तव में भारत असंगठित क्षेत्र में श्रमिक मान आय एवं पेंशन केवे स्थायी नुहे यहपरी लोक साय भारत सरकार एक योजना चलाउंट यह योजना अधीन श्रमिक मान प्रतिमास सरकार 3000 टंका पेंशन देवे एथिपाई आपण प्रक्रिया अधीन यह लाभ पाइबा सक्षम हेबे असंगठित क्षेत्र में कार्य कर श्रमिक मानी भारत सरकार 2019 प्रधानमंत्री समयोगी मानधन योजना आरंभ करते असंगठित क्षेत्र में कार्य कर श्रमिक मानी योजन 60 वर्ष बयस पर मासिक 3000 टंका पेंशन प्रदान करोजन जोग दे श्रमिक मान बयस 18 वर्ष रु 40 वर्ष मध्य आवश्यक जहाद्वारा से अति कम्रे 20 वर्ष योजन जोगदान करेंगे 60 वर्ष बयस सरकारी पेंशन योजन प्रतिमास 3000 टंका आवेदन कराए प्रीमियम राशि समान भाव में कम देवाक पड़ो यह परिस्थिति में श्रमिक श्रेणी यथाशीघ्र योजना लाभ उठाई पारे असंगठित क्षेत्र में कार्य कर श्रमिक मैंने केवल आवेदन करें रिक्सा चालक घर ड्राइवर बुणाकार प्लम्बर गृह निर्माण श्रमिक अलिया संग्रहकारी
कृषि श्रमिक मोची धोबी चमड़ा काम करुथिबा एवं अन्यन श्रमिक अंतर्भुक्त। प्रधानमंत्री श्री योगी मानधन योजना पर आवेदन करने को श्रमिक मानक निकटतम साधारण सभा केन्द्र को जीवा पड़ यापर से निजर आधार कार्ड और बैंक बरणी सहित यह योजन पंजीकृत हो पारे। तो सारा दिन यहपर बछा बछा और गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखुद और आम वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु।